नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गोरखपुर स्थित महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाराणा प्रताप एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिससे आज की युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में स्पीकर ने कहा कि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व समाज को प्रेरणा देने के लिए एक आदर्श है। महाराणा प्रताप हम सब जानते हैं कि मेवाड़ की उस धरती में पैदा होने के बाद उन्होंने जिस स्वाभिमान के साथ देश की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए राज को छोड़कर जंगल में जाकर घास की रोटी खाकर देश के स्वाभिमान को बचाने का काम किया। महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान गोरखपुर के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महान व्यक्तित्वों ने भारत के नौजवानों को एक दिशा दी है और उनका मार्गदर्शन किया है। इस विरासत को हमें मिलकर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सारे महान व्यक्तित्व जिन्होंने उस समय नौजवानों की पीढ़ी को प्रेरणा दी, आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद हो, मदन मोहन मालवीय हो, महंत दिग्विजयनाथ हो, इन सब ने कहीं न कहीं भारत के नौजवानों को एक दिशा दी, एक मार्गदर्शन दिया। और इसीलिए हम हमारी विरासत को भी याद करें, वर्तमान में और भविष्य के अंदर एक नए भारत बनाने के संकल्प को पूरा करें। महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर से सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। संसद टीवी की स्पेशल कवरेज में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।